वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप किसी की भी नंबर की कॉल डिटेल्स, कॉल हिस्ट्री को देख सकेंगे अपने फ़ोन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, बड़ा टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी की भी कॉल हिस्ट्री को देख सकते हैं, किसी की भी कॉल लॉग्स का इनकमिंग आउटगोइंग आप देख सकते हैं कि उसने किससे बात की, कब की, कितने टाइम की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है किसी की भी कॉल लॉग्स को चेक, आपके फ्रेंड को या किसी के भी फ़ोन में आप ये कर सकते हो, मतलब किसी के भी सिम पर आप ये कर सकते हो। अगर आप किसी के भी सिम की कॉल डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उससे कर सकते हो, सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे बताऊंगा मैं कैसे इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले आपको इस कर लेते हैं इसको ओपन। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल लॉग्स का, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कॉल लॉग्स एक ऑप्शन। तो आपको सिंपली यहां पर कॉल लॉग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं बैकअप ऑल, रेस्टोर व्यू, बैकअप सेंड क्लाउड, बैक डिलीट बैकअप्स, डिलीट ऑल कॉल लॉग्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे जो कॉल्स अभी आप कर रहे होंगे, वो भी यहाँ पर जो है जमा होती रहेंगी, और जो भी पिछले कॉल लॉग से डिलीट हो चुके थे वो यहाँ पर आप देख सकेंगे, हर कोई कॉल लॉग यहाँ पर आप देख सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेस्टोर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टोरेज जो है यहाँ पर आप कांट फाइंड बैकअप, अभी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है तो यहाँ पर चलना है बैक, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप ऑल का। तो सिंपली आपको बैकअप ऑल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला XML पेज आपको बन जाएगा एक। तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारे जो कॉल लॉग्स हैं कंप्लीटली यहाँ पर जो है हमारे वापस आ चुके हैं। जो भी यहाँ पर कॉल लॉग्स थे किसी इस नंबर पर जो मेरे फ़ोन में अभी है तो वहाँ पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चलते हैं अपने बैक, और यहाँ पर हम आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है फाइल मैनेजर में, और यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड होगा या नहीं होगा तो उसको दे देना है और अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वही जो है एक यहाँ पर पेज खोलना है जो उसका है, जो SMS यहाँ पर आप देख सकें, आप देख सकेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, यहाँ पर होगा अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SMS कॉन्टैक्ट बैकअप्स, तो यहाँ पर आपको बैकअप्स पर चले जाना है, सॉरी यहाँ पर ऊपर वाले पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा SMS कॉन्टैक्ट बैकअप। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको लॉग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लॉग्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बोला XML का फाइल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल लॉग्स 2000, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसके बाद .XML है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके जो भी कॉल्स होंगे ना वो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपके फ़ोन में कोई MI, जैसे कि मेरे पास अभी MI स्प्रेडशीट है, तो कोई भी जो यहाँ पर आप इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी MI स्प्रेडशीट से ओपन कर लेता हूँ, अगर होता है तो दोस्तों बहुत ही बेटर है। तो यहाँ पर अगर नहीं होता है तो हम गूगल से भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो हम आप देख सकते हैं कि अच्छे से नहीं आता, तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, आपको बैक जाना है, और यहाँ पर इस पर फिर से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको UC ब्राउजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, या कोई भी ब्राउजर आपको होगा वो आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको कोई भी ब्राउजर चूज कर लेना है, और आपको इसको ब्राउजर में ओपन कर लेना है ताकि वो अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर अभी हमारा जो ब्राउजर है वो उसको एक्सेस करके यहाँ पर अच्छे से हमें दिखाएगा कि हमने कौन कौन सी कॉल लॉग्स यहाँ पर की थी। तो दोस्तों अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट है, अभी देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है अभी लोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि XML फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस से यहाँ पर बात की थी, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, नंबर्स आप दिख रहे हैं, डेट भी बोल रहे हैं, जो है अभी टाइम भी बोल रहे हैं, अब आप सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। जितने भी मैंने कॉल लॉग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने कॉल लॉग्स किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर कॉल लॉग्स किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मई को की थी कॉल लॉग, जैसे कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं टाइम था 10:15:28, जो है अभी आप देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन कितने हैं, 10 मिनट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जितने भी कॉल लॉग्स आपने किए होंगे, मतलब ये किसी की भी कॉल लॉग्स आप कर सकते हो। तो चलिए इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, और यहाँ पर आपको कर लेना है सर्च। तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा डाउनलोड, फिर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और कुछ यहाँ पर एक टिप बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सुपर, तो सुपर कर लेना है सर्च सुपर
SMS कर लेना है सर्च। तो यहाँ पर आप जैसे सुपर बैकअप एंड रेस्टोर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर यही सर्च करना है सुपर SMS सुपर बैकअप एंड रेस्टोर। जैसे आप सुपर बैकअप एंड रेस्टोर को यहाँ पर ओपन करोगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट वीक है दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस आपको मिल जाएगा सुपर बैकअप एंड रेस्टोर। ये वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, यही एप्लीकेशन है जिसको जिसकी मदद से आप किसी की भी कॉल लॉग्स यहाँ पर देख सकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी की भी फोन को फोन में इसको डालना है और यहाँ पर यही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी यहाँ पर किया, तो आप किसी की भी फोन के लॉग्स आपको देख सकते हैं। इसमें आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अब मैं इस एप्लीकेशन में फिर से चले जाता हूं और यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सा ऑप्शन यहां पर और एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो यहां पर अभी करते हैं इसको ओपन फिर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी जो अपन ओपन कर लिए हैं यहाँ पर अभी, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड टू क्लाउड। तो यहाँ पर अगर आप सेंड टू क्लाउड करोगे ना, अगर कोई भी बैकअप आपने मतलब रिस्टोर किया है अपना जो ये वाला कॉल लॉग्स है रिस्टोर किए, तो आपको सिंपली यहाँ पर वो वाले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो सेंड टू गूगल ड्राइव सेंड टू अदर्स, यहाँ पर अगर आप सेंड टू अदर्स करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाए, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंड टू क्लाउड दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्या पर जीमेल पर भेज देना है, जो आपके पास जीमेल होगी ना अपने फ़ोन में। अगर आप किसी के दूसरे के फ़ोन में अभी इसको कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी दूसरे के फ़ोन में इसको करना चाहते हो, तो उसको उसका फ़ोन लेना है और उसके फ़ोन में ऐसे ही करना जैसे मैंने किया। उसके बाद यहाँ पर इसको कर लेना है सेंड अपने जीमेल पर, क्योंकि आप जल्दी जल्दी इतना नहीं देख सकते कि किस किसने कितनी बातें की है, किसके साथ की है। तो सिंपली आपको जीमेल पर क्लिक कर देना है और अपने जीमेल पर भेज देना है जो भी आपका जीमेल है, तो आप वहाँ पर आराम से इसको देख सकेंगे। फिर आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी कॉल लॉग्स हैं, किससे बात करता है और कौन इसको कॉल करता है, सब कुछ यहाँ पर इसको डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।